वीडियो में आज हम बात करेंगे एक मशहूर आम का वैरायटी जिसका नाम है बनाना आम। देखिए इसका लंबा, इसका चौड़ाई देखिए पूरा बनाना जैसा दिखता है। इसका एरोमा बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत रसीली भी है। इसका गुठले की अगर बात किया जाए, बहुत दुबला सा पतला सा अगर मेजरमेंट किया जाए आम को, तो करीब 6 से 9 इंच तक इसका लंबाई होता है। देखिए गुच्छित आकार में इसका फल लगता है। आम जब पक जाते तब बहुत अच्छा खूबसूरत इसका कलर होता है। वाह, इसका कितना खूबसूरत कलर, देखो कितना खूबसूरत। काटने के बाद इसका गुठली चेक करो, 1 मिलीमीटर तक भी चौड़ा नहीं होता, दुबला सा पतला सा। देखिए प्लेटनिंग की गई है, इसका पीलापन आ गया कलर पकने के बाद। देखिए कलर देखो कितना लंबाई है, कितना अच्छा खूबसूरत कलर है। देखो इसका जो फल होता है गुच्छित आकार में फल होता है, छोटा पेड़ में फल लगता है। हाथ में पकड़ा हुआ ये फल को देखो कितना लंबाई है, कितना हेल्दी है। इसका देखो थोड़ा सा पीलापन आ गया, थोड़ा मैच्योर होने जा रहा है और कुछ दिन बाद ये पक भी जाएगा। देखिए कलर देखिए। अगर इसके वैरायटी के बारे में बात किया जाए, ये वियतनाम की एक मशहूर वैरायटी है, पूरा हिंदुस्तान में इसका आबादी चल रहा है और इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। अक्सर देखा जाता है कि हमारा किसान लोग परंपरा खेती जैसे गेहूँ गन्ना करते हैं, इसको छोड़ के अगर इस प्रकार के बगीचा फसल किया जाए तो बहुत लागत आने का संभावना है। पौधा ज़रा बड़ा नहीं तो होता है, जैसे हमने पहले बोला बहुत छोटा पेड़ में बहुत अच्छा, बहुत भर भर के फल आते हैं, बहुत कैश लागत आने का संभावना है। ये पौधा पहले साल से फल देना चालू करते हैं। दूसरे फसल जैसा गेहूँ गन्ना, दूसरा कई सरसों हम लगाते हैं तो उसका अलग से ट्रीटमेंट किया जाते हैं। तो इसका आम का अगर खेती किया जाते है, इसका कोई ऐसा अलग से ट्रीटमेंट ज़रूरत नहीं होते, नेचुरली ग्रो करते हैं, अलग से ज़्यादा मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं होते हैं। इसीलिए लागत पूरा ही पूरा हमारा घर में आते हैं, इसीलिए सब लोग इस फसल करने के लिए अभी इंटरेस्टेड हैं। यदि किसी को पौधा चाहिए तो स्क्रीन पर दी गई नंबर पर संपर्क कीजिए, इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी हमारा चलते हैं, तो हम आपसे संपर्क करेंगे, पूरा आपको समझाएंगे कब लगाना है, कौन सा खाद देना है, कितना दूरी पे बरकरार रखना है, मेंटेनेंस कैसा करना है, मतलब बिगिनिंग टू एंड, मतलब शुरुआत से आपको हार्वेस्टिंग तक आपको पूरा गाइड करेंगे, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खाद आप कौन सा दे, NPK दे या यूरिया देना चाहिए हम बता देंगे, पॉइजन आप कौन सा देना चाहिए, आप इंसेक्टिसाइड में से कौन सा देने से अच्छा है, कौन थो देने से आपको लाभदायक रहेगा, हम पूरा बता देंगे। अगर किसी को कम पौधा चाहिए तभी हमें संपर्क कीजिए, हम रेलवे के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान में सप्लाई करते हैं। अंत में रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा आगे बढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू।